नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता इस कहानी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ममता यह जो एक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है और लेखक की ऐतिहासिक कहानी होने के साथ साथ हम ममता के द्वारा एक स्त्री प्रधान कहानी को भी देखते हैं। ममता के द्वारा उन्होंने एक विधवा स्त्री का भी चित्रण किया हुआ है। ठीक है, पहले हम इस कहानी के पात्र देख लेते हैं, बाद में हम इस कहानी का विषय और इसका सारांश देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी में आने वाले प्रमुख जो पात्र है, इसमें ममता यह एक विधवा स्त्री है, विधवा नारी है, और दूसरा जो पात्र है चूड़ामणि। चूड़ामणि ममता के पिता है और रोहतास दुर्ग के मंत्री है, जो ममता के पिता भी है। ठीक है, शहंशाह हुमायूं है, सैनिक है। ठीक है, इस तरह कुछ दो चार पात्र इसमें आए हैं, लेकिन प्रमुख जो पात्र इसमें ममता ही है और उसके पिता। ठीक है, पुरुष पात्र। अब इस कहानी के जो विषय बनते हैं, यह एक ऐतिहासिक कहानी है, मानवीय धर्म निभाने वाली कहानी है, मानवीय कर्तव्य निभाने वाली है, स्त्री प्रधान कहानी है, धार्मिक स्वाभिमान भी है, और एक स्त्री का विधवा जीवन किस तरह होता है उसका चित्रण भी इसमें लेखक ने किया हुआ है। ठीक है, अब इस कहानी का सारांश हम देखेंगे। कहानी की जो शुरुआत लेखक ने ममता के अकेलेपन से किए हैं, मतलब ममता इस कहानी की नायिका है, साथ ही वह एक विधवा है और रोहतास दुर्गापति के प्रमुख मंत्री चूड़ामणि की वह इकलौती संतान है जो कम उम्र में विधवा हो चुकी है। ठीक है, एक स्त्री के लिए जो विधवापन होता है या जो विधवा का जीवन होता है कितना अभिशाप भरा होता है या एक अभिशाप से कम नहीं होता, उसकी व्यथा उसकी वेदना हम नहीं समझ सकते। जो विधवा स्त्री है वही समझ सकती है, जिस पर बीतती है वही समझ सकती है, और ममता का जो अकेलापन है उसका जो दुख है उसका जो दर्द है कोई नहीं समझ सकता, ऐसा लेखक ने बताया है। और जवानी में वह विधवा हो चुकी है, उसके मन में जवानी की जो भावनाएं उमड़ रही है और उसके मन में वेदना है, दुख है, दर्द है, मस्तक में उसके आंधी है, आंखों में पानी है, और पानी भी है जिस तरह बरसात का पानी निरंतर गिरता है उसी तरह उसके आंखों से आंसू भी निरंतर गिर रहे हैं या बरस रहे हैं। सभी सुख सुविधाएं हैं, सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी वह दुखी है, बेचैन है, क्योंकि मंत्री की जो बेटी है इस कारण उसके पास सभी सुख सुविधाएं हैं और संसार में सबसे अगर तुच्छ प्राणी कोई समझा जाता है तो स्त्री का विधवापन, ऐसा लेखक ने कहा है, और उसकी दशा कोई नहीं समझ सकता। लेखक कहते कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ प्राणी है और उसके दुखों का कोई अंत है नहीं। ठीक है, अब रोज की तरह ममता अपने जो कक्ष में या उसके शयन कक्ष में है और उसको देखने के लिए पिता जो रोज उसके पास जाते हैं, आज भी वो गए हैं, लेकिन ममता आज भी व्याकुल है, बेचैन है, उसे अपने पिता के आने की खबर तक नहीं लगती, वो बेसुध है क्योंकि उसे खबर नहीं, अपने ही ख्यालों में वो डूबी है। और पिता अपनी बेटी के यह स्थिति देखकर बहुत ही व्यथित हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते, उससे बिना कुछ कहे उस कक्ष से वह बाहर निकल आते हैं, और दोपहर के बाद यानी एक पहर के बाद वह दोबारा उस कक्ष में जाते हैं, लेकिन अकेले नहीं जाते, साथ में अपने सैनिकों को भी लेकर जाते हैं, और सैनिकों के हाथों में बड़े बड़े थाले हैं, चांदी के थाले, और उसमें बहुत सारे गहने उस या बहुत सारा सोना चांदी उस थाले में भरे हुए हैं। और वह सैनिक क्या करते हैं, जैसे वो थाले नीचे रख देते हैं और चले जाते हैं। अब चूड़ामणि और वो उस सैनिकों के पैरों की आवाज़, उनकी आने की आवाज़ सुनकर जो ममता उनकी तरफ देखती है पलटकर और अपने पिता को कहती है कि यह क्या है पिताजी, तो पिताजी यह कहती कि बेटी ये सब तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप है, तुम्हारे लिए लाया है। और ये जब देखकर जो ममता खुश नहीं होती,
वह अपने पिता को पूछती है कि यह क्या है, तो पिता कहते हैं कि तुम्हारे लिए है और तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा के लिए, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह सब किया गया है। तो ममता इस बातों से खुश नहीं होती और वह नाराज़ होती है, और ये जो गहने हैं, यह जो सोना है, इसकी चमक से वह अपने आप को दुखी बना लेती है। वह कहती कि यह चमक मुझे अंधा बना रही है और मैं इस सोने के या इस गहने को स्वीकार नहीं करूंगी, ऐसा वह अपने पिता को कहती है। प्रसन्न होने के बजाय वह दुखी हो जाती है, नाराज होती है और धन वापस करने के लिए कहती है। ममता या पिताजी ममता की बातों से नाराज होकर बाहर चले जाते हैं। जब शत्रु सच में शत्रु शेरशाह ने आक्रमण किया था, जब ममता अपने पिता को पूछती कि यह सारा धन कहाँ से आया, तो पिता कहते कि यह जो जो शहनशाह है या शेरशाह है उनसे रिश्वत में लिया हुआ धन है। तो उसको बहुत बुरा लगता है, वह नाराज़ हो जाती है और वह अपने पिता को समझा देती है, और सच में शत्रु का आक्रमण भी हो जाता है। तब उसमें आई हुई डोलियों के जो पर्दे उठाने के कारण चूड़ामणि की हत्या की जाती है या मंत्री की हत्या की जाती है, और रोहिताश्व के राजा रानी जो थे उनका सारा धन शेरशाह अपने कब्जे में कर लेता है, मतलब उस पर आधिपत्य जमा लेता है। और इसी बीच ममता को जब पता चलता है कि पिता की हत्या हुई है, तो उसे लगता है कि अपने आप पर भी संकट आ सकता है, इस कारण वह वहाँ से चली जाती है। उसे ढूंढने का बहुत प्रयास सैनिकों द्वारा होता है लेकिन वह असफल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगली जो घटना है जिसमें ममता ने अपने इतिहास की बातें उसमें आई हुई है कि खंडहरों का वर्णन, एक खंडहरों में जाकर वह निवास करने लगती है जहाँ प्राचीन काल में मौर्य गुप्त लोग रहे थे, और धर्मचक्र विहार का इतिहास बताया गया है। ऐसे भारतीय शिल्प में ममता अपनी एक कुटिया बनाकर रहने लगती है, ठीक है। एक दिन वह भगवत गीता का पाठ या श्लोक का पाठ पठन कर रही थी, तब एक घायल सैनिक वहाँ थका हुआ आ जाता है और ममता के पास आकर वह ममता से विनती करता है आश्रय देने के लिए। ममता उसे पानी तो पिला देती है किंतु उस क्षण के लिए वह दुविधा में पड़ जाती है कि उसका संस्कार यह भी कहता है कि अतिथि का सत्कार स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपने पिता की हत्या उन्हीं मुस्लिम लोगों ने, शेरशाह के सैनिकों ने की है, ऐसा उसे पता है। इस कारण वह उस व्यक्ति को आश्रय देना नहीं चाहती, आश्रय देना नहीं चाहिए ऐसा उसे एक मन उसका कहता भी है। फिर भी वह उस व्यक्ति को आश्रय देते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है और उस व्यक्ति को झोपड़ी में आश्रय देती है और अपने आप को किसी अलग जगह पर जाकर खंडहर में जाकर छुपने के लिए विवश कर देती है, यानी छुप जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक यह बात स्पष्ट है कि ममता को पता है कि इन लोगों ने अपने पिता की हत्या कर दी है, फिर भी वह ममता यहाँ स्वाभिमानी है, फिर भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है और उस व्यक्ति का या उस व्यक्ति के लिए आश्रय देती है, उसकी मदद करती है, ठीक है। जब सुबह हुई तब वो उस स्थान पर या उस जगह पर बहुत सारे सैनिक इकट्ठा या बहुत सारे सैनिक अपने राजा को, शेरशाह को, या जो शेरशाह हुमायूं है उसको ढूंढने के लिए आ जाते हैं जंगल में। तब उसे पता चल जाता है उस राजा को कि मुझे सैनिक ढूंढने के लिए आया है, तो वो भी आवाज़ देते हैं और सैनिकों को वो राजा आदेश देते हैं कि यहाँ पर एक स्त्री थी उसको ढूंढा जाए जिसने मुझे रात को यहाँ रहने का लिए मदद की थी, आश्रय दिया था। सैनिक राजा मिल गया इसलिए पहले जयघोष करते हैं। जयघोष सुनकर ममता को पहले बहुत डर लगता है, वो घबरा जाती है, उसे अपने कर्मों पर पश्चाताप होने लगता है कि उसे लगता है कि मैंने अपने आप को या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है, और वह उस एरिया में छुपी हुई है लेकिन सैनिक उसे ढूंढ रहे हैं किंतु वह मिलती नहीं है। शाम होते होते सब लोग चले जाने के लिए निकलते हैं, तब वह जो व्यक्ति है सैनिक घायल था वह राजा है, और वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस स्त्री को मैं कुछ भी नहीं दे सका, इस कारण इस स्त्री का पक्का घर या पक्का मकान बनवाया जाए। इस कारण यह आदेश ममता भी सुनती है लेकिन वह सामने नहीं आती क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है, और वह बाहर नहीं आती और ये लोग हैं वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत दिनों बाद
ममता घायल है, घायल है मतलब उसकी उम्र हो चुकी है, लगभग 70 साल की ममता हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है और अपने जो अंतिम सांस है वह गिन रही है। उसके पास 2-3 स्त्रियां गांव की बैठी हुई है, उसे सिंपी से पानी पिलाया जा रहा है। तभी एक सैनिक जो घुड़सवार है वह आया हुआ है और एक स्थान या उस स्थान का वह चित्र लेकर आया है जिस राजा ने यह आश्रय लिया था और इस पर पक्का मकान बनवाना है, वह स्थान वह ढूंढ रहा था। उसे वह स्थान मिलता है और तब उसकी आवाज़ सुनकर ममता उसे भीतर बुलाने के लिए एक स्त्री से कहती है। वह भीतर आ जाता है और भीतर आ जाने के बाद ममता उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वह एक बहुत बड़ा राजा है, मैंने तो उसे एक सर्वसामान्य सैनिक समझकर, एक व्यक्ति समझकर उसे अपनी कुटिया में या अपने झोपड़ी में आश्रय दिया था और मैंने ये भी सुना था कि वह अपने सैनिकों को आदेश दे चुका है कि यहाँ पर पक्का मकान बनवाया जाए, लेकिन मैं इतने दिनों तक इस दुविधा में थी कि मेरे जीते जी यह मकान बन गया तो मैं कहाँ जाऊँगी, इस कारण अब मैं मर रही हूँ, अंतिम सांसें मेरी चल रही हैं, मतलब अंतिम विश्राम के लिए मैं सज्ज हूँ, अब मेरे चले जाने के बाद यहाँ आप लोग या आपके राजा जो चाहे बनवा सकते हैं। यह सुनकर वह सैनिक अवाक हो जाता है, मतलब आश्चर्य से उसे देखने लगता है। तभी ममता के प्राण निकल जाते हैं, मतलब उसके प्राण पंछी जो है उड़ जाते हैं। ठीक है, अब ये चले जाने के बाद ऐसा लेखक ने बताया है कि कुछ दिनों के बाद पिताजी की याद में, मतलब जगजेता हुमायूं के बेटे ने वहाँ पर एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया और मंदिर के शिलालेख पर यह खुदवाया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने यहाँ इस जगह पर एक दिन विश्राम किया था। ठीक है, तो ये खुदवाया, लेकिन उस पर या उस मंदिर के किसी भी जगह पर ममता का या ममता के नाम का कोई जिक्र नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक ने यहाँ एक ऐतिहासिक नारद पात्र के द्वारा ये बताया गया है कि स्त्री का नाम ऐसे ही इतिहास से लुप्त होता गया है और लुप्त हुआ है ममता का नाम। हालांकि झोपड़ी उसकी थी, स्थान उसका था, फिर भी एक दिन वह राजा वहाँ आकर रहा, लेकिन उस जगह को हमेशा के लिए अपना उसने किया, लेकिन ममता के कर्तव्य का, ममता के दान का, बलिदान का वहाँ पर कोई नाम नहीं, कोई मूल्य नहीं है, ऐसा लेखक ने बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ममता कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।